मेरठ में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लेकिन मेरठ में कल देर रात एक महिला सहित 9 मरीज मेडिकल कॉलेज से फरार हो गए, जिनकी तलाश करने पर 5 मरीज वापस आ गए, लेकिन 4 अभी भी लापता हैं। इन मरीजों के भागने से मेरठ मेडिकल की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी भर्ती मरीजों को स्वास्थ्य विभाग जल्दी ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कल मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक महिला सहित 9 मरीज भाग गए, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। जबकि मेडिकल प्रशासन की माने तो उनका कहना है कि यह सभी मरीज नेगेटिव थे और इनको डिस्चार्ज किया जाना था, जिसके बाद इनको यहां से सुभारती अस्पताल में क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा था। उसी बीच यह भाग गए, जिसमें से 5 वापस आ गए हैं, 4 अभी भी गायब हैं। तो वही मेरठ के सीएमओ की अगर बात करें, सीएमओ ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इस सवाल पर मेरठ मेडिकल कॉलेज को जिम्मेदार बताया और कहा कि इन सवालों का जवाब मेरठ मेडिकल कॉलेज ही देगा कि आखिर मरीज कैसे भाग गए। वहीं पुलिस की माने तो मेरठ की एसपी सिटी का कहना है, पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि मेडिकल में एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई गई है, इसलिए पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर पुलिस को सूचना दी जाती तो मरीजों का हिफाजत के साथ सुभारती में भर्ती करा दिया जाता, लेकिन जब अब सब अधिकारी गेंद को एक दूसरे के पाले में डाल रही हैं और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर एक बार फिर मेरठ मेडिकल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। आखिर भागे मरीजों का जिम्मेदार कौन है और कितने मरीजों को यह है पॉजिटिव कर सकता था और कितने मरीजों को ये पॉजिटिव कर सकते थे, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। सर, क्वारंटाइन से कुछ पेशेंट भागे, क्या कारण है? पहली बात तो ये, आप अच्छी न्यूज एक सुन लीजिए कि कल हम लोगों के एक और पेशेंट डिस्चार्ज हो गई, मरियम नाम की पेशेंट थी, वो डिस्चार्ज हो गई, ठीक होकर के अच्छी हो गई। ये क्वारंटाइन नहीं था, ये पेशेंट सस्पेक्ट वाले आते हैं जो कि थोड़ी देर हमारे यहाँ रुकते हैं जब तक उनका सैंपल का रिपोर्ट नहीं आ जाती है, और वो सैंपल रिपोर्ट आ गई थी, वो सब लोग नेगेटिव थे, उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ से फिर उनको क्वारंटाइन जाना था, नीचे एम्बुलेंस को बुलाया गया था, शायद एम्बुलेंस आने में थोड़ी लेट हुई, एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी हुई थी और उसमें से कुछ लोग उसमें चढ़े, कुछ लोग निकल गए। अभी मुझे जो खबर मिल रही, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ लोग जो है वहाँ पे गार्ड भी थे, पुलिस वाले भी थे, लेकिन शायद उनके फियर में वो लोग उनको तक टच नहीं किए, इसलिए शायद उछले गए। लेकिन अच्छी बात ये है कि उन लोगों को फ़ोन किया गया तो वापस आ गए। तो सभी कितने लोग थे फिर? 9 लोग थे, मतलब टोटल 12 लोग थे, जिसमें 3 लोग एम्बुलेंस में चढ़ गए थे, तो 9 लोग चले गए थे, जिसमें कि 5 लोग शायद वापस आ गए हैं, बाकी भी शायद पुलिस उनको वापस ला रही है। सारे नेगेटिव थे सर। कल एक पेशेंट खिड़की से फरार हुआ था, क्या उसकी रिकवरी हो चुकी है? ये मैं बता नहीं देता, क्योंकि ये तो काम हमारा नहीं है, तो पुलिस का काम है। अपडेट क्या है आज की? अपडेट मतलब कितने सैंपल लगे थे, कितने इसके अंदर पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, कुछ आइडिया? ये तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, पूरा रिपोर्ट सीएमओ के पास होगी, हम तो खाली अपना ही यहाँ पे जो रहते हैं वहीं। रिजवन के पेशेंट यहाँ पे एडमिट कर रहे थे क्या? किसके? किसके? रिजवन रिजवन शायद कुछ पेशेंट आए तो थे, तो उनके सैंपलिंग लगी हुई, सैंपलिंग चली गई, सैंपलिंग चला गया सबका। थैंक यू। मेरठ में अभी तक 82 पॉजिटिव केस आए हैं और हमारे 18 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, 3 की डेथ हुई थी और कल हमारे लगभग 105 प्राइवेट लैब और सरकारी लैब में मिला के सैंपल हुए थे, जिसमें एक पॉजिटिव आया है। साबुन गोदाम से कल एक पेशेंट मिला है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या जानकारी मिल रही है? अभी सिर्फ ये जानकारी मिल रही है कि उसका जो डायबिटिक है वो, उसको बुखार आ रहा था, उसमें प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कोविड का उनको टेस्ट बताया, उन्होंने प्राइवेट लैब से करवाया, उसमें वो पॉजिटिव आए हैं और उनके घर के 3 सदस्य हैं, उनको क्वारंटाइन कर लिया गया है, उनकी आज रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। उनके फादर सार्वजनिक जीवन में थे? मुझे जानकारी नहीं है इस बात। अच्छा, मेडिकल कॉलेज के जो 9 लोग फरार हुए थे,
मिसिंग थे, क्या जानकारी है उनकी? वो मिसिंग नहीं थे, वो अपने आप नेगेटिव रिपोर्ट थी, वो चले गए थे अपने घर और उनमें से 6 वापस आ गए थे सुबह तक। मेरी बात हो गई है प्रिंसिपल साहब से, तो उसमें वापस आ गए, उनको पता लगा जबकि उन्हें क्वारंटाइन में रहना है तो उनको वापस आ गए। कितने कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है कि अगर उन्हें क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा था और उसके बाद वो अपने घर चले गए, तो कितनी बड़ी चूक मानते हैं? ये वर्जन तो आपको प्रिंसिपल साहब से लेना चाहिए क्योंकि ये हॉस्पिटल का मामला है। चूक इसमें यही है कि उनको गिनती करके एम्बुलेंस में बिठा देना चाहिए था, वो एम्बुलेंस में ना बैठ के वो इधर उधर तितर बितर हो गए, तो आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। उनको बोल दीजिए मेरी बात हो गई है। मेरठ में अब तक कितने हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं? 19 हॉटस्पॉट में बन चुके हैं मेरठ में, कल जो नया आया है उसको 19वां हॉटस्पॉट बनाया है साबुन गोदाम का। रजबन के जितने भी टेस्ट हैं आज लगेंगे, वो आज गए हैं मेडिकल, शाम चले गए थे मेडिकल कॉलेज में, आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आएगी, अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई। सर रजबन में जो महिला को पॉजिटिव निकला था, उसके जो हस्बैंड है सब्जी विक्रेता थे, उनका उनकी रिपोर्ट क्या है? उनकी रिपोर्ट भी शाम तक ही आएगी, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। सर ये मेडिकल कॉलेज से रात 9 लोगों के फरार होने की सूचना है, क्या मामला है सर पूरे? मेडिकल कॉलेज में रात 9 बजे का ये वाकया है जिसके बारे में 12 बजे के लगभग कुछ अन्य सूत्रों से पता चला कि शुभारती मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करते समय जो क्वारंटाइन में रखे गए 9 लोग थे वो निकल गए हैं। यह जानकारी थाने को भी नहीं दी गई थी, वहाँ जो पुलिस का स्टाफ लगा रहता है मेडिकल कॉलेज में उसको भी नहीं पता था। तो इसके बारे में जब गहन छानबीन किया गया तो करीब 12:30 बजे के लगभग 9 लोगों की रात 12:30 बजे 9 लोगों की एक सूची मिली जिसके बारे में बताया गया कि शुभारती मेडिकल कॉलेज ले जाते समय ये लोग यहाँ से निकल गए हैं। पूरी सूची की छानबीन किया गया तो उसमें से एक मेडिकल कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में ही पेशेंट मिला, दूसरा शुभारती मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में है जिसको मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया था, शेष 6 लोगों के बारे में जानकारी किया गया, उनके फ़ोन नंबर के आधार पर कॉन्टैक्ट किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि सबका टेस्ट रिपोर्ट कोरोना का निगेटिव आने पर उनको जब सही कोई जानकारी नहीं हो पाई कि उन्हें क्या करना है तो उन्होंने सोचा कि अब उनको घर चले जाना है, तो इस आधार पर वो घर चले गए थे। सभी को मेडिकल कॉलेज में बुला लिया गया है, सब मेडिकल कॉलेज पहुँच भी गए हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराने आदि विषय कार्रवाई कराई जा रही है। प्राथमिक तथ्यों के आधार पर भागने जैसी कोई बात नहीं पता चला है, ये नासमझी जैसी कोई चीज़ लग रही है। पूरे तथ्यों की छानबीन किया जा रहा है। 9 की सूची में एक नाम ऐसा है जिसका पता सही नहीं होने की वजह से मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से विस्तृत पूछताछ करके और अन्य सूत्रों से जानकारी करके उसके बारे में भी देखा जा रहा है।